बचपन की याद आ गई है, क्योंकि हम भी इसी दिन का वेट करते थे स्कूल में कि कब हमें अपनी माता की साड़ी पहनने का मौका मिलेगा, क्योंकि हम में से भी सिलेक्शन होती थी कि कौन सी लड़की इतर लेके खड़ी रहेगी, कौन गुड़ के तिल के लड्डू खिलाएंगी और कौन फिर हल्दी कुंकू लगाएंगे। तो आज बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, बचपन की यादें ताज़ा हो गई मेरी। इनके बारे में मैं सुन चुकी हूँ, मैं हम लोग कॉमन फ्रेंड्स हैं एंड वी डिडंट नो दैट अभी तक। तो अभी थोड़ा बहुत खुलासा हुआ है, तो आई एम क्वाइट हैप्पी एंड आई एम ऑलवेज गोइंग टू बी देयर फॉर हर व्हेनेवर शी नीड्स मी एंड व्हेनेवर शी वांट्स मी। और इनके बारे में जितना बोलूँ आई थिंक थोड़ा कम ही होगा। अब कंपेयर करने जाऊंगी तो दैट्स नॉट गोइंग टू बी राइट। तो मेरे कल नेक्स्ट ईयर कोई और हो सकता है मेरी जगह पे, एंड आई विश एवरीबॉडी ऑल द बेस्ट एंड आई विश द फाउंडेशन ऑल द बेस्ट। मैम उर्वशी, मैम काफ़ी बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के आई हैं, तो कैसा आप फील कर रही हैं उसके लिए? तो मैं तो पहले उर्वशी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने आकर इस हल्दी कुमकुम के कार्यक्रम का एक हिस्सा बने। और बहुत अच्छा लगता है जब एक्टर्स अपना टाइम मूल्य टाइम निकाल कर आके ऐसे इनिशिएटिव का पार्ट बनते हैं, तो हमको भी अच्छा लगता है और जो लोग हमारे साथ जुड़े उनको भी खुशी मिलती है कि मैम आई और उनने उनके साथ इतना टाइम स्पेंड किया। और आज तो हल्दी कुमकुम बहुत बड़ा दिन है मकर संक्रांति का, हम सब अपने हस्बैंड्स को मतलब हस्बैंड्स की लंबी उम्र के लिए ये प्रोग्राम करते हैं, एक दूसरे को हल्दी कुमकुम लगा के उनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं। और आज बच्चे लोगों के लिए तो मैडम स्पेशल डे है। हाँ, क्योंकि वो लोग गुड़ के लड्डू, तिल के लड्डू खाते हैं और पतंग उड़ाते हैं। मैं भी वेट करके आई हूँ, मैं भी दो तिल के लड्डू घर पे बने हुए मैं खा के आई हूँ। मैं अपनी लंबी उम्र की कामना करती हूँ। आपकी तो दुआ इतनी मिली आज आपको। बहुत ही बड़ा स्टेप है ये, और सबसे बड़ी चीज़ है ये हम पुलिस वालों के बीच में ये प्रोग्राम कर रहे हैं, जो कि हमारे महाराष्ट्र की सुरक्षा में अग्रणी है। और ये पुलिस महकमा इतना मजबूत है हमारा कि हम कहीं आज कितनी पूरी तरह से सुरक्षित हैं, यहाँ पर कोई अटैक नहीं, कहीं कुछ नहीं। और उन महिलाओं को हमारी निदर्शना जी के द्वारा आज पुरस्कृत किया गया है, उन लोगों का हल्दी कुमकुम रखा गया है। ये बहुत ही बड़ा, बहुत ही ऊँची सोच है, और जब सोच बदलती है तो देश बदलता है। लास्ट टाइम भी मैं यहाँ पर आई थी, क्या यहाँ पर इतना बड़ा कमलम में उसमें गमंडी राम ट्रस्ट वालों ने काफ़ी अच्छा करे थे पिछली बार भी, जो पुलिस वालों के लिए। और ये भी ये लोग आगे बढ़ बढ़ के हर चीज़ लोगों की मदद करते अलग अलग तरीके से, एंड आई एम सो हैप्पी कि यहाँ पुलिस वालों के यहाँ आते। आज सेकेंड बार आ रही हूँ और मैं देख रही हूँ कि इतने लोगों में चाह है और उत्साह है हर चीज़ करने के लिए। पतंग के लिए भी काफ़ी बच्चे आकर यहाँ पर पतंगबाजी कर रहे हैं। आई एम सो हैप्पी कि वो हम लोगों को ये चीज़ का हिस्सा बनाती है। आई रियली प्रे, मैं उसके लिए हमेशा दुआ करती हूँ कि वो और अच्छी करते रहे और आगे बढ़े। मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, मैं मुंबई की बॉर्न एंड ब्रॉटअप हूँ, पली बड़ी यहीं की, और इतना तो मैं कह ही सकती हूँ कि एज अ वुमन मैं बहुत ही सेफ फील करती हूँ, एंड इट इज़ ओनली थैंक्स टू मुंबई पुलिस। तो मेरे हिसाब से आमची मुंबई पुलिस इज बेस्ट। यस, और आज जब हम उनकी बीवियों की हल्दी कुमकुम करेंगे तो वो रिस्पेक्ट है जो उनको पे करना चाहते हैं कि हम उनके हस्बैंड्स की लंबी कामना के लिए उनका हल्दी कुमकुम करना चाहते हैं। एग्जैक्टली, कि उनके हस्बैंड्स की और लंबी उम्र हो हर तकलीफ में, क्योंकि मुंबई पुलिस हर तकलीफ में आगे होती है। तो हमेशा भगवान हर एक महिला का सुहाग संभाले, उनकी रक्षा करे, हर एक पुलिस की रक्षा करे। जिस तरीके से कोई त्यौहार होता है तो हमेशा पुलिस जो है ड्यूटी करता है और उनके परिवार जो है उनका इंतजार करता है, और ऐसे में इस तरीके की खुशी उनको देखना कितना आपको अचीव लगता है? बहुत बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमें
अगर वो हमारे लिए खड़े रह सकते हैं हर मोड़ पर, हर पॉइंट पर, तो हम क्यों नहीं उनके लिए रह सकते, ये तो बताइए। और उनके तो एग्जाम्पल्स देने के लिए भी, मतलब हम कितने भी एग्जाम्पल्स दे दें कम पड़ेंगे। बड़े से बड़े एग्जाम्पल्स हैं जहाँ उन्होंने हमें एब्सोल्युटली सेफ रखा है, सुरक्षित रखा है, तो उनके बारे में जितना भी बोले कम है।